आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छा रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैंने जो पिछली बार मुल्तानी मिट्टी का वीडियो डाला हुआ था तो उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ का है। उसमें कमेंट आए हुए थे कि प्लीज़ आप मुल्तानी मिट्टी को जो है रोस्ट करके खा के बताइए। तो मैंने चलो सोचा कि मैं यूट्यूब पर हूँ तो मुझे बहुत सारे व्यूवर्स की जो है रिक्वेस्ट तो मुझे पूरी करनी ही होती है। तो आज का वीडियो मेरा काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस मैंने कभी लाइफ में मैंने मुल्तानी मिट्टी को है ना रोस्ट करके नहीं खाया है। तो फर्स्ट टाइम मैं है ना मुल्तानी मिट्टी को ट्राई करूँगी कि रोस्ट करके कैसे खाते हैं। तो आप सभी के कहने पर, और वैसे मैंने आपको बताया था कि मुल्तानी मिट्टी को कैसे खाना चाहिए, मुँह में डाल के खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आपको है ना मुल्तानी मिट्टी को गले से नीचे नहीं उतारना है, आपको इस टाइप से खाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होती है। तो वैसे आज मैं थोड़ा सा खा के दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, बट आप सभी के कहने पर मुझे थोड़ी सी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करनी है इसलिए। तो ये है मुल्तानी मिट्टी, छोटे छोटे पीसेस हैं इसके जिनको मैं करूँगी आपके सामने रोस्ट, और मैं आपको इनका जो है खा के मैं आपके सामने बताऊँगी कि इनका टेस्ट कैसा है। अगर गाइस आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन के ज़रूर रहना। तो गाइस मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये मुल्तानी मिट्टी वाला वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ कोई भी बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मैं मुल्तानी मिट्टी नहीं खाती हूँ, और पहले खाती थी तो नॉर्मली खाती थी, इतनी भी नहीं खाती थी, थोड़ी बहुत खाती थी। और मैंने आपको बताया है कि आपको मुल्तानी मिट्टी को कैसे खाना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस चलो फिर मैं फटाफट से इसको है ना रोस्ट करती हूँ। तो आपको है ना इसको कैसे रोस्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलो इसको कर लेते हैं किचन में गैस पे, इसको कर लेती हूँ रोस्ट और फिर बताती हूँ मैं इसको रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो चलो फिर चलते हैं किचन में और कर लेते हैं इसको। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, चिटपिट जैसी आवाज़ क्यों आ रही है, और ये तो नीचे गई। चलो नेक्स्ट दूसरी जो है करते हैं रोस्ट। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इससे चिंगारी निकल रही है, और सच में फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है इसको, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। और आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे है ना लॉ पकड़ रहा है मुल्तानी मिट्टी, और इसमें है ना चिटपिट जैसी आवाज़ आ रही है, और ये थोड़ी थोड़ी सी है ना रोस्ट होती जा रही है। आप लोग देख सकते हो कि इस पर है ना थोड़े थोड़े से है ना कलर चेंज होने लगा है, और आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पर फैल चुकी है। तो इसको है ना मुझे डर भी लग रहा था रोस्ट करते टाइम, क्योंकि है ना कहीं मेरे फेस पर ना लग जाए कहीं, क्योंकि ये गर्म थी और इधर उधर से मेरे फेस पर लग जाए या मेरी आँख में लग जाए, कहीं भी लग जाए, क्योंकि ये ना चटपट हो रही थी इसलिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे फ़र्स्ट टाइम, और एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत लोग खाते हैं, तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम रोस्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम में मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आई रियली होप कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इसको रोस्ट करते टाइम। मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। गाइस मैंने इसको फाइनली रोस्ट कर लिया है और अभी गर्म है ये, तो रोस्ट करने के बाद कुछ ये ऐसी हो गई है। और गाइस सच में आपने देखा कि ये बहुत चिटचिट की आवाज़ भी कर रही थी, और इसमें है ना फटाके टाइप के फूट रहे थे, और है ना पूरी किचन में ये है ना पूरी गैस पर है ना ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े भी फैल गए थे। तो मैं इसको अभी खाऊंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि ये एकदम बहुत गर्म है। और ये है वैसी वाली मुल्तानी मिट्टी जिसको मैंने रोस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि क्या पता रोस्ट करने के बाद कैसी लगती, मैं इसका कोई यूज़ कर पाती, क्योंकि इसका यूज़ तो मैं ना फेस पर लगाने में कर लेती हूँ, और फिर रोस्ट का क्या पता फेस पर लगती या नहीं लगती। और अभी मैं आपके साथ इसको खा के शेयर करूँगी कि कैसा है इसका टेस्ट, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी गर्म है। तो चलो इसको ठंडी होने हो गई है फाइनली ठंडी, तो चलो फाइनली अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी ये है ना हल्की हल्की सी गर्म है, तो गाइस टेस्ट में ज़्यादा कुछ तो चेंज हुआ नहीं है, बट इसमें एक चीज़ और शामिल हो गई है कि इसमें है ना एक वैसी खुशबू आ रही है, जैसे नमक की खुशबू होती है ना वैसी खुशबू और आने लगी है।
और इसका टेस्ट पहले से थोड़ा सा अच्छा और लगने लगा है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन है तो ये मिट्टी ही। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम इसको रोस्ट करके खाएंगे तो ये नुकसान करेगी या नहीं करेगी, तो गैस डेफिनेटली ये नुकसान करेगी, क्योंकि है ना ये मिट्टी है, ये हमारे चाहे हम कैसे भी खाएं बट ये जाकर हमारे जो है ना लीवर में ये फैल जाएगी, तो इससे हमें बहुत सारे नुकसान होंगे। तो आप है ना इसको ना तो रोस्ट करके खाएं और ना ही वैसे खाएं, जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगी। आप इसको अगर आप ऐसे कोई वीडियो मेरी तरह बना रहे हो तो आप इसको फन के लिए, हम इसको बस ट्राई करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बट कोई भी आप लोग देखो ना यूट्यूब पर कोई भी है ना इसको खाता नहीं है। और भाई खाने वाले खाते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक मैं नहीं खाती हूँ इसको, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैंने इसका वीडियो शूट किया था। और ठीक है, थोड़ी बहुत खाने से कुछ नुकसान नहीं होता। और आप अगर 6 महीने में और 1 महीने में अगर थोड़ा सा टुकड़ा खा लेते हो ना, तो उससे ये नुकसान नहीं होता। अगर आप डेली कंटिन्यू दिन में 10 बार आप खा रहे हो, लगे ही हो खाने के लिए लगे ही हो, तो भाई ये मिट्टी है और ये आपको नुकसान करेगी ही, और ये बहुत बुरी तरह से फैल जाएगी, तो ये बहुत नुकसान करेगी। और मैं तो नहीं खाती हूँ गाइस, और आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल ना खाएं, ये बहुत घातक है आपके लिए। और आपको इसकी आदत है तो आप कैल्शियम की दवाइयाँ खाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर से, बट इसको ना खाएं। मैंने थोड़ी सी खाई थी तो मैंने अभी गले से नीचे नहीं उतारा उसको, मेरे मुँह में ही है, बस मैंने मुँह में ही उसका टेस्ट ले लिया है, मैं खाने वाली नहीं हूँ। तो बस गाइस, आप सभी लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको रोस्ट करिए रोस्ट करिए, तो बस मैंने इसको रोस्ट किया था और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया रोस्ट करने के बाद भी। और ये जो टुकड़े मेरे पास रोस्टेड हैं तो मैं इनको खाऊंगी नहीं, मैं इनको फेंक दूंगी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको खाने में। और बस मैंने आपके साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर किया था क्योंकि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि दी आप एक वीडियो बनाइए आप जिसमें इसको मुल्तानी मिट्टी को जो है रोस्ट करिए, तो बस मैंने रोस्ट की है। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम इसको रोस्ट किया तो इसमें चिटपिट की आवाज़ आ रही थी जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, और मैंने ना तो इससे पहले कभी देखी है इसकी आवाज़, ना ही कभी मैंने इसको ट्राई किया है, ना ही कभी मैंने सुनी है। तो गाइस आप सभी को भी मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को भरवा के लाइक देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।